Good morning class, how are you? Welcome to online class. So students, I hope all are safe at your home. Now I am going to teach you Hindi. So today is Tuesday and today date is 14/7/2020. बच्चो, कल हमने आपको चैप्टर फर्स्ट बिना मात्रा के शब्द को किस प्रकार हम दो अक्षर के शब्द बनाएंगे, तीन अक्षर के शब्द बनाएंगे, ये हमने आपको समझाया था और अभ्यास को उच्चारण करके भी बताया था. बच्चों, आज जो आप कॉपी में राइट करेंगे उसको हमने यहाँ पे राइट किया है कि आप किस प्रकार कॉपी पे राइट करेंगे और कितनी लाइन स्किप करनी है, कहाँ से लिखना है, ये आपको हम अभी यहाँ पे बताने जा रहे हैं. तो बच्चों, आपकी कॉपी जैसा कि कल हमने बताया था कि फर्स्ट पेज पे एलएफएस मिशन जो कि मैंने पीडीएफ भेज दिया है, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, प्लस हिंदी फॉर्मेशन एंड सिलेबस. इसके बाद आप कॉपी पे यहाँ से राइट करिएगा आज की डेट डाल के. कैसे राइट करना है देखिए, पेंसिल से राइट करना है, साफ एवं सुंदर राइटिंग में इस प्रकार. इसको मैं आज पीडीएफ में भेज दूंगी, इसको देख के राइट करिएगा. इसी को मैंने यहाँ पे राइट किया है, आप इसको अच्छे से आपको मैं पढ़ना सिखाऊंगी आज. देखिए, कल हमने बिना मात्रा के शब्द आपको लिखना सिखाया था, आज हम उन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे. देखिए, पाठ है बिना मात्रा के शब्द, ये है दो अक्षर के शब्द. पहले हम दो अक्षर के शब्द पढ़ेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है. देखिए, घ र घर, ऐसे मिला के हम पढ़ेंगे. फ ल फल, हा म हम, च ल चल. अब तीन अक्षर के शब्द को पढ़ेंगे, तीन अक्षर के शब्द देखते हैं. ब भ न, बहन, तीन अक्षर है ना. न भ र, नहर. क म ल, कमल. ट भ ल, टहल. अब हम चार अक्षर के शब्द को पढ़ेंगे. चा मा, चम चम, इस प्रकार हम मिला के पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से पढ़ना आएगा. कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको पढ़ने में, तो आप इसको मिला के इस प्रकार भी दो दो अक्षर करके भी पढ़ सकते हैं. जैसे चा मा चम, चम चम. बराबर गदा गद, बरगद, ठीक है. का टा कट, हाला हल, कट हल, कट हल. हमारा चार अक्षर का शब्द हो गया, क्या बना, कट हल. का स र त, का स कस र त रत, कस रत. कौन सा शब्द बन गया, कसरत. और कसरत तो सबको करना चाहिए, है ना, तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा. तो ये हो गया आपका चार अक्षर के शब्द. ये हमने आपको दो अक्षर के शब्द पढ़ाया, तीन अक्षर के शब्द किस प्रकार पढ़ा जाता है इसको बताया, और चार अक्षर के शब्द किस प्रकार पढ़ेंगे इसको बताया. और इसी को हम अपनी कॉपी में भी राइट करेंगे. कॉपी में राइट करने के पहले आप फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे कोटेशन. पहले तो आप आज की डेट डालेंगे, उसके बाद राइट करेंगे कोटेशन. नेक बनो, ये आज आपकी कोटेशन है, नेक बनो. उसके बाद आपको हिंदी फॉर्मेशन आ से आहा तक राइट करना है, ठीक है. ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने बोर्ड में एक लाइन में लिखा, आप दो लाइन में लिख सकते हैं. आ से आहा, आप दो या तीन लाइन में लिखिएगा जिससे साफ और सुंदर लगे. उसके बाद वन लाइन स्किप करने के बाद फिर आप स्केलिंग करेंगे. देखिए, स्केलिंग किया हुआ है. स्केलिंग करने के बाद आप चैप्टर नेम डालेंगे, यानी पार्ट एक. उसके बाद आप चैप्टर का नेम लिखेंगे.
चैप्टर का नेम है बिना मात्रा के शब्द। तो आप इसको सुंदर राइटिंग में वन लाइन स्किप करके राइट करेंगे। उसके बाद आप फिर वन लाइन स्किप करेंगे और ये स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, पूरा स्केल करेंगे और उसके बाद इधर दो अक्षर का साथ वन वन छोटी जो ब्लॉकेज लाइन है, देखिए इस प्रकार जो नैरो लाइन है इसी को आप स्किप करेंगे। तो इस प्रकार आप दो अक्षर के साथ, तीन अक्षर के साथ और चार अक्षर के साथ राइट करेंगे। बहुत ही सुंदर और साफ राइटिंग में लिखिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, जिससे मैं देखूंगी कि आप कितने अच्छे से उसको लिखे हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज आपका होमवर्क है तीन और चार अक्षर के 10 शब्द लिखिए। कैसे लिखना है? तीन अक्षर के 5 शब्द और चार अक्षर के 5 शब्द, कुल 10 शब्द आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज आपको आपके लेसन का जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और आपको आज हम ये पाठ्य का PDF में भी सेंड कर देंगे, इसको देख के आप सेम टू सेम राइट करिएगा। और बुक से भी जो आपका अभ्यास है, अभ्यास ग सॉरी ख, ये भी हम PDF में सेंड कर देंगे, इसको भी देख के आप सुंदर राइटिंग में बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।